हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार पुलिस का रिजल्ट कब आएगा। देखिए, इससे पहले बहुत सारे वीडियो बनी है, लेकिन मैंने एक भी वीडियो अभी तक नहीं बनाया बिहार पुलिस के रिजल्ट पर, और ये मेरा पहला वीडियो है। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रिजल्ट कब आएगा। बहुत से चैनल, बड़े बड़े चैनल, पेपर, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सुना होगा कि दिवाली से पहले रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। हम चाह रहे थे उस टाइम भी वीडियो बनाना, लेकिन टाइम के अभाव के कारण नहीं वीडियो बना रहे थे, क्योंकि उस टाइम आता ही नहीं। और जो आज हम बताने वाले हैं ना, उसी दिन रिजल्ट आएगा, ये आप जान लीजिए। देखिए, किसी को नहीं पता कि फिलहाल हकीकत हम बता रहे हैं कि किसी को भी नहीं पता कि रिजल्ट कब आएगा, है ना। कितना भी बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो या कितना बड़ा भी उसका चैनल ना क्यों ना हो, उसको नहीं पता कि आखिरकार रिजल्ट कब आएगा। जो भी बात वो करते हैं हवा में बातें करते हैं, और ये फैक्ट बात है, ठीक ना। तो हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक ना। और देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं पता, पता लगता है, लेकिन एक या दो दिन पहले पता लगता है, जब चेयरमैन जो है, देखिए उस पर सिग्नेचर होता है ना सर का, अधिकारियों का। उस दिन जैसे कि जब जाता है सीएसबीसी ऑफिस से आपका पूरा दस्तावेज, जिसमें रोल नंबर होते हैं सभी के रिजल्ट वाला, क्योंकि देखिए बिहार पुलिस का तो रिजल्ट कैसे चेक करेगा, स्कोर नहीं बताया जाता, सिर्फ डायरेक्ट रिटर्न एग्जाम का रोल नंबर से होता है, उसी से आपको पता चलता है कि आपका रिजल्ट हुआ है। तो वो सभी कुछ जाता है, और जब चेयर सीएसबीसी ऑफिस से जाता है, जहां आपके साइन होता है, लास्ट एकदम और लास्ट स्टेज होता है रिजल्ट प्रकाशित करने से करने का, तो उस स्टेज में ही पता चलता है कि अब सीएसबीसी से जो है सारा डाटा चला गया है। देखिए, डाटा जाने का मतलब ये नहीं है कि हाथ में लेके जाएगा या कार में लेके जाएगा, ये सब डिजिटल होता है ना। और बहुत कम लोगों को ही पता चलता है, जो विभाग में होते हैं उन्हीं को पता लगता है कि यहां से डाटा चला गया है और अब कभी भी रिजल्ट आ सकता है, या एक दिन दो दिन। हाईएस्ट जब सीएसबीसी ऑफिस से निकल जाता है तो एक से दो दिन बहुत हाईएस्ट है, मतलब 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो कब आएगा रिजल्ट, ये बताते हैं हम आपको। और देखिए, अभी दिवाली में रिजल्ट नहीं आया है, और छठ पूजा में भी नहीं आएगा। हकीकत है भाई, देखिए कोई नहीं, देखिए सीएसबीसी भी नहीं चाहेगा कि आपकी दिवाली खराब होती, है ना। और छठ पूजा आप समझ जाइए, ठीक ना। तो रिजल्ट अभी नहीं आएगा, और ये हकीकत बात है। जब भी रिजल्ट आएगा ना, 24 घंटे पहले ही आपको पता चलेगा। कितना भी बड़ा क्यों ना यूट्यूबर हो, 24 घंटे ही पहले बता सकता है। अगर वो पहले बता रहा तो हवा में बातें कर रहा है, ठीक ना, इतना जान लीजिए। इससे पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, है ना, यहाँ तक कि बड़े बड़े चैनल भी इस पीडीएफ को अपने चैनल, टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे थे दबा के, लेकिन वो फर्जी थी। हम चाह रहे थे वीडियो बनाना, लेकिन उस टाइम हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इस कारण नहीं बना पाए वीडियो उस पर। लेकिन इतना जान लीजिए, इन सभी ये अभी फर्जी वायरल होगा, है ना, क्योंकि देखिए अभी एकदम समय है, कभी भी रिजल्ट जारी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में ना, फर्जी भी जो होता है रिजल्ट बना एडिट करके किसी तरह पीडीएफ को, क्योंकि बहुत से एप्लीकेशन है एकदम हूबहू फिजिकल डेट, एडवोकेट संख्या, सब कुछ, है ना, आपका विज्ञापन संख्या की मैं बात कर रहा था, जो मुंह पे आया होता निकल नहीं रहा था, तो वो विज्ञापन संख्या एज इट इज एकदम लिखा रहेगा, सब कुछ, कितनी पोस्ट पे भर्ती आई है, सब कुछ एडिट करके वो प्रकाशित कर देते हैं ग्रुप के माध्यम से। लेकिन सीएसबीसी के ऑफिशियल साइट पे आप जाइएगा तो वहां शो नहीं होगा, है ना। क्योंकि जब हमें पता लगाना था ना कि रिजल्ट जारी हो गया, तो हम पहले चेकआउट किए थे जाके, एक अपने भाई से ही पता चला था, कुछ दोस्त थे कि भाई रिजल्ट हुआ, तो हम भी देखे भाई। तो सीएसबीसी पे ऐसी कोई सूचना नहीं थी। अगर आपको देखना है ना, तो इसके ऑफिशियल साइट पे देखिए, है ना, वहीं से डाउनलोड कीजिए, तभी आपको एक्चुअल पता चलेगा। और इतना जान लीजिए, अभी रिजल्ट नहीं आएगा, छठ पूजा तक तो नहीं आएगा, ये क्लियर है आपको। मैं देखिए, इस वीडियो पे आपने क्लिक ही किया था इसीलिए कि रिजल्ट कब आएगा, है ना। तो रिजल्ट ना दिवाली में आया, ना ही अब छठ पूजा में आएगा। छठ पूजा के बाद तुरंत आपका रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा, चाहे नेक्स्ट डे या फिर इवनिंग में, यानी सुबह की जो अलग होती है ना, उसके बाद देख लेना, आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। एकदम अनुमान है, सब कुछ तैयार है, एकदम ओके है, सब कुछ डिजिटल होगा, है ना। जो सिग्नेचर कराया जाता है वो भी पीडीएफ पे जो सिग्नेचर होता है अधिकारी को, वो भी डिजिटल ही होगा। तो किसी को कुछ नहीं पता चलता कि कहाँ जा रही है ना फाइल, किधर किधर हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता। सब अनुमान लगाते हैं व्यूज लेने के लिए, है ना। और अगर आपको पता करना है ना एक्चुअल में कि किस दिन रिजल्ट आएगा, तो मोटा मोटी मैंने बता दिया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा उस दिन हम आपको डेट बताएंगे, क्योंकि डेट हम फिक्स तभी बता पाएंगे
रिजल्ट से 24 घंटे पहले, तो 24 घंटे पहले ही हमको पता चलेगा और भाइयों को भी पता चलेगा। तो ये है आपका एक्चुअल डाटा, और जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और फिजिकल की नहीं तैयारी कर रहे हैं तो करिए, है ना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें आप सवाल कीजिए, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।